नमस्कार साथियों, आज 3 अक्टूबर 2024। सबसे पहले उन दोस्तों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड आज के डेट में लगभग क्लोजिंग जो हुआ है इसका सपाट पे क्लोजिंग हुआ है, यानी कि 9 के बराबर डाउन हुआ है इस शेयर का प्राइस। जबकि आज के डेट में मार्केट क्रैश हुआ है, फिर भी ये शेयर का प्राइस उस तरीके से डाउन नहीं हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार टाटा स्टील लिमिटेड में क्या है और क्या नहीं है। देख सकते हैं इस स्टॉक से संबंधित न्यूज जो कि अलग अलग शब्दों में, लेकिन अर्थ लगभग समान ही है मेरे समझ के अनुसार। तो द हिंदू बिजनेस लाइन क्या लिखता है, टाटा स्टील स्टॉक, टाटा स्टील शेयर मूल्य हाइलाइट्स 3 अक्टूबर 2024। इसको जरा देखते हैं, तो देख सकते हैं यहां पर क्या लिख रहा है। टाटा स्टील के शेयर गुरुवार को सपाट बंद हुए। अप ट्रेंड तो बना था इस शेयर में, फिर लो ट्रेंड बना, लेकिन न के बराबर प्राइस गिरा इससे स्टॉक का, जबकि शेयर मार्केट में पूरी मंदी छाई हुई रही आज के डेट में। क्योंकि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेंसेक्स 82,497.10, यानी कि माइनस में 1,769.19 डाउन हुआ है। जबकि निफ्टी भी डाउन हुआ है माइनस में 546.80, और क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, जो कि देख सकते हैं प्लस में 86, और सोना के प्राइस में भी डाउन हुआ है और चांदी में प्लस में हुआ है 284 रुपया। तो ऐसे टाइम में, अगर ऐसे वक्त में कोई स्टॉक का प्राइस अगर स्थिर रहता है, सपाट में अगर क्लोजिंग देता है, तो काफ़ी अच्छा न्यूज है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए, और इसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3 अक्टूबर 2024 15:42 का अपडेट है, जिसमें कि NSE और BSE पर, तो NSE पर 166.99 पर क्लोजिंग दिया और BSE पर 167 रुपया पर स्थिर बंद हुए। टाइम टू टाइम का यह अपडेट है। इस स्टॉक में जैसा न्यूज आया था उसके अनुसार से तो इस स्टॉक का प्राइस गिरना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए, यानी कि फ्यूचर ब्राइटनेस है इस स्टॉक का, जिसके वजह से ये स्टॉक गिरा नहीं ऐसे टाइम में भी। और इसी से संबंधित BT मार्केट टुडे, जो कि businesstoday.in वेबसाइट का नाम है, इस पे है। तो टाटा स्टील के शेयरों की जीत की रफ्तार 3 महीने में धीमी पड़ गई, यहाँ है नए मूल्य लक्ष्य। लेकिन इसका कहना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ओवरबॉट जोन के पास में कारोबार कर रहा है। RSI इसका है 69.3, और ओवरबॉट जोन संक्षेप में अगर जाने तो जान सकते हैं कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 70 या उससे अधिक का RSI यह दर्शाता है कि स्टॉक के लिए विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार है, यानी कि खरीदार ज़्यादा हो चुके हैं, ये मानना है मेरे समझदारी के अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इस शेयर का जो ओपनिंग हुआ था 165.50 पे, और हाई लगाया 169.99, लो 164.52, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा NSEIndia.com, तो यहाँ पर इस स्टॉक का जो शेयर है उसमें डिलीवरी काफ़ी अच्छा हुआ है
41.69% का ऐसे टाइम में भी डिलीवरी में उठाया गया, जबकि ट्रेडेड वैल्यूम कितना है तो 759 लाख, यानी कि 7,59,00,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ वहीं पर। परसेंटेज रहा 41.69% का डिलीवरी में, तो ऐसे टाइम में भी अगर डिलीवरी में उठाया गया है इस स्टॉक को तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें जो अनाउंसमेंट है अपडेट वो है दो, पहला है लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट और उसी से संबंधित दूसरा है लॉस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया गया इस तरीके का। काफ़ी अच्छा, मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छा है। जो भी स्टॉक इस तरीके का अनाउंसमेंट करता है या एक्सचेंज को सर्टिफाइड देता है वो स्टॉक काफ़ी अच्छा ही होता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। बाकी लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि कल के डेट में इस स्टॉक में अप ट्रेंड बनना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।